नमस्कार, विडी टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को दिए जाने वाले रिफाइंड तेल में घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को दिए जाने वाले 12 रिफाइंड तेल में उनको सिर्फ 11 लीटर ही दिया जा रहा है। शिमला क्षेत्र के जुब्बल क्षेत्र की यह घटना है, जिसमें एक वीडियो में साफ देख सकते हैं कि वहां की कर्मचारी निशा पेटी खोलकर 1 लीटर तेल निकालकर दिखाती है। इसमें 12 लिखा है, लेकिन अंदर सिर्फ 11 लीटर ही है। प्रधान भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी का कहना है कि मामला अब से आया है, कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विडी टीवी भारत।